हाय गाइस, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी मिंत्रा साड़ी हॉल। वो साड़ीज़ हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, अलग अलग टाइप की है, अलग अलग प्रिंट है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आने वाली फेस्टिव सीजन में आप इनमें से कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, अच्छी लगेगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी येलो कलर की कॉटन सिल्क साड़ी। बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, क्वालिटी सुपर्ब है। प्राइस रेंज मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पर, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग साड़ी सुपर्ब है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप ये देखिए, ये ना इसका ब्लाउज़ पार्ट है, मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये ब्लाउज़ है, 80 सेंटीमीटर का है आई थिंक। और ये है इसकी पूरी साड़ी, लुक एट द साड़ी। ये देखिए, ऊपर थोड़ा आपको ये जरी वर्क मिलेगा और नीचे आप ये देखिए, साड़ी बहुत अच्छी है। बीच बीच में जो आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न आपको मिल रहा है पूरा, ये है इसका पल्ला। और नीचे पूरे में ना इस तरीके की आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। बहुत सुंदर पहनी हुई ये लगती है। कैसी लग रही है पहनी हुई साड़ी ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं। मैंने इसे रेड कलर के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया था। आप चाहें तो रेड ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्रीन या रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका ब्लाउज स्टिच कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट है मेरी ऑर्गेंजा साड़ी, गोल्डन कलर में है साड़ी, है ऑर्गेंजा। अच्छा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए। इस तरीके की ये साड़ी जो पहनी हुई थी मॉडल ने, तो इस तरीके की लग रही थी, मुझे काफ़ी सुंदर लगी, थोड़ी अलग सी लगी साड़ी। जैसे साड़ी आई ना, मेरी हाइट है 5.5 इंचेस। साड़ी सुंदर है नो डाउट। पहले मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी, फिर आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये इसका ब्लाउज पीस है 80 सेंटीमीटर का। इसके बाद यहाँ से साड़ी स्टार्ट होती है। ऑर्गेंजा फैब्रिक है पूरा। नीचे आपको प्लीट्स बन रही है, वहाँ पर ऊपर भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद ना आपको यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके का कटआउट मिल रहा है। ये जो पैटर्न है कटआउट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जैसे आप यहाँ पे लेंगे तो इस तरीके से आता है, यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 5.5 इंचेस मेरी हाइट है, तो अगर आपकी हाइट भी 5.5 इंचेस है या उससे ज़्यादा है तो आपको ये साड़ी फिर ना आएगी नहीं। मुझे आई नहीं, मुझे छोटी हो रही थी, तो कोई फ़ायदा नहीं फिर। और वैसे अगर 5'2" 5'3" इतनी है तो चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो ये आप देखिए, पैटर्न बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। ये इसका पल्ला है, पल्ला भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहना वो भी अच्छा लगेगा। जिसकी हाइट थोड़ी कम होगी उसको, मतलब मेरे लिए ये नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूँगी। वैसे साड़ी अच्छी है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट है मेरी ये ब्लैक कलर की सिल्क साड़ी। पर आप इस तरीके की देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसका। यहाँ पर आपको ब्लाउज मिलेगा, ब्लाउज में यहाँ पर बॉर्डर भी दिया हुआ है, और उसके बाद ये आपकी यहाँ से साड़ी है। तो ये आप देखिए, पूरा ये आपका ना वुवन डिज़ाइन है इसमें आपको मिल रहा है। और इसका प्राइस रेंज भी आई थिंक ऐसी ही है, 700-750 की रेंज में। पूरी इस तरीके की साड़ी है, पल्ला है इस तरीके का, वीव्ड है। ये आप देखिए, इस तरीके की यहाँ पर आपको इसका वीविंग पैटर्न मिल रहा है। साड़ी अच्छी है, लाइट वेट है, बट इसमें भी एक इशू मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो थ्रेड है ना, ये मुझे जो होता है ना, जिसमें वो साड़ी में थोड़ी गड़बड़ लगती है। क्योंकि वैसे पहनी भी अच्छी लग रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन बस वही है कि आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि आपका ये जैसे चूड़ी वगैरह पहन रखी है आपने, ब्लाउज पहन रखा है जिसमें कुछ अगर नग वग लगे हुए हैं तो उससे खिंच सकता है, या एसेसरी कुछ अपने पहनी है उससे खिंच सकता है, फिर वो धागा खिंच जाता है तो फिर साड़ी बेकार हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साड़ी में। अदरवाइज़ साड़ी बहुत सुंदर है, अफोर्डेबल रेंज में है, पहनी हुई भी बहुत प्यारी, बहुत प्रिटी लगती है, ठीक है। मैंने इसे ब्लैक कलर के ब्लाउज़ के साथ ही पेयर किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट एक जो डाउनफॉल मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताना, तो यही थ्रेड का प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो नेक्स्ट है मेरी ये साड़ी, ये ग्रीन पिंक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है, मल्टी कलर भी बोल सकते हैं आप। ये देखिए, ये साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सुंदर लगी थी। इसका ना सबसे अच्छा जो मैं आपको दिखाती हूँ वो पल्ला, देखिए बहुत खूबसूरत है पल्ला। ये इस तरीके का ना आपको पूरा पैटर्न, वीव्ड पैटर्न जरी वाला मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, कमल बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। आप इसको इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लगता है। इस साड़ी में कोई कमी मुझे नहीं लगी, ये साड़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस रेंज। ये देखिए, ये पूरी मैं आपको ये पल्ला साइड से स्टार्ट कर रही हूँ साड़ी। पूरे साड़ी में आपको इस तरीके का वर्क मिलेगा, लुक एट दिस। एंड एंड में आपको ये यहाँ से यहाँ तक इतना देखिए,
ये आपको इसका ब्लाउज पीस मिल रहा है, आई थिंक 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर इतना ही है। यहाँ पर बॉर्डर मिल रहा है जो कि आप अपने बाजू पे या बैक पे लगा सकते हैं। बाकी पूरी साड़ी जो है ये सिल्क बनारसी साड़ी है, ये पूरी पूरी प्रॉपर फेस्टिव वेयर, वेडिंग में किसी गेस्ट लुक आप इससे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। पहनी हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है, लंबी चौड़ी साड़ी है, कोई ऐसा नहीं कि छोटी है, अच्छी है। सो ओके गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का कलेक्शन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी और मुझ पर आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लग रही थी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।